झूले फ्रॉम किन्नौर। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और आप देख रहे हैं हिमाचल अभी अभी। हिमाचल अभी अभी की टीम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर दौरे कर रही है। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हिमाचल की जनता किसकी सरकार चाहती है, केंद्र में कौन बैठे, उनका सांसद कैसा हो, किस तरह से वो अपनी जितनी भी तमाम योजनाएं हैं उनको सफल होता हुआ देखना चाहते हैं। और इसी कड़ी में हम लोग आज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पहुंचे हैं। किन्नौर की ये शाम आप देख रहे हैं, हम लोग इस समय सांगला में हैं और सांगला की शाम में हम लोग बहुत से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बहुत से लोगों से हम उनके पॉइंट ऑफ व्यूज जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं क्योंकि जनजातीय क्षेत्र ये आता है, यहाँ के लोग बड़े भोले भाले, यहाँ की भाषा, यहाँ की पोशाक बेहद ही खूबसूरत है और देश विदेश में डंका मानते इस क्षेत्र का। चलिए आज हम लोग आपको थोड़ी बहुत यहाँ की मार्केट भी दिखाएंगे और साथ ही लोगों से भी बातचीत करेंगे कि वे क्या समझते हैं चुनावों से। हिमाचल प्रदेश उन क्षेत्रों में से है जहाँ पर्यटन पूरे साल भर अपने यौवन पर रहता है। यहाँ का हर स्थल पर्यटन के लिहाज से अपने में खास है, लेकिन इनमें से कुछ जगह ऐसी हैं जिन्हें हर शख्स बार बार देखने की तमन्ना रखता है। ऐसी ही जगहों में से एक है किन्नौर जिले की सांगला घाटी, जो अपने मनमोहक नजारों से किसी का भी दिल जीत लेती है। सांगला बासपा घाटी का सबसे बड़ा गांव है। यहां तक पहुंचने के लिए हमें उस खतरनाक सड़क मार्ग से सफर करना होता है जो हमेशा दिल में इन ऊंचाइयों का डर बनाए रखता है। जब हम सांगला की सीमा पर दस्तक देते हैं तो इसके सौंदर्य को निहारते हुए आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कौन सोच सकता था कि इस खतरनाक रास्ते के पीछे भी एक ऐसी खूबसूरत दुनिया बसी हो सकती है जो हमें अपने मोहपाश में बांध देती है। जब हम सांगला पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमें सांगला बाजार के दर्शन होते हैं। हम ये शॉर्ट्स दिखाएंगे ना, बंद करो। सही है यार, नहीं आपके रोड से यार, माशाल्लाह है। बहुत यार रोड खराब है ना, ये वाला रोड खराब है। सो अभी हम लोग सांगला की मार्केट विजिट कर रहे हैं, हमें बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है। किन्नौर की टोपी जो कि बहुत फेमस है, आप सभी जानते हैं इसे किन्नौरी टोपी कहते हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में ये टोपी घूमती है। और इसी के साथ जो किन्नौर के शॉल्स है, पट्टू है, वो बहुत ज्यादा फेमस रहते हैं क्योंकि जो इसमें काम किया जाता है वो बहुत ज्यादा बारीकी का रहता है और बहुत खूबसूरत भी रहता है। तो यहाँ पे हमारे एक अंकल की शॉप है सांगला में, सो वी मेट हिम, हमने पूछा कि क्या कुछ आपके इस शॉप पे मिलता है, तो उनसे हमने बात की है, क्या कुछ उनका कहना है वो आप सुनिए। देखिए आप, यहाँ पे हमारे जो मैक्सिमम होता है किन्नौरी हैंडलूम का काम होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। किन्नौरी हैंडलूम में आपके आता है चोली, ठीक है, जो कि लेडीज़ के मतलब शादियों में पहना जाता है या हमारे कल्चर में ही पहना जाता है। किन्नौरी टोपी हो गया, शॉल हो गया, गाछी हो गया, ठीक है, जेंट्स के लिए मफलर हो गए, कोट हो गए, पैंट हो गए, तो इस तरह के परिधान यहाँ पे लोकल ट्रेडिशन में ये चलता है। बाकी आप देखेंगे कि ये बुद्धिज़्म का भी शॉप है, तो यहाँ पे बुद्धिज़्म के भी बहुत सारे सामान आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्टों का बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता है, जिस वजह से हमें उस तरह के सामान रखने पड़ते हैं कि टूरिस्टों के लिए, ताकि कुछ अट्रैक्ट हो जाए वो, कि कुछ यहाँ का कुछ स्पेशल चीज़ ढूंढते हैं। कोई भी बाहर से आएगा तो आपको यही पूछेगा कि सांगला में ऐसी क्या चीज़ मिलती है, क्या खास चीज़ है। तो हमारे पास ऐसी चीज़ें कई होती है, जैसे एक तो लोकल ट्रेडिशन में हो गए, या हमारे पास एप्रिकॉट हो गया, या कोई लोकल प्रोडक्ट हो गया, कोई राजमा हो गया, या कोई ऐसे कुछ आइटम हो गए, ठीक है, तो इस टाइप की बहुत सारे हमारे यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी आपको यहाँ पे, तो आपको रेट भी सही मिलेगा, सब कुछ सही मिलेगा, इधर ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जब भी आएंगे इधर विजिट ज़रूर कीजिए, धन्यवाद। जहाँ से हमें अपनी ज़रूरत की हर वस्तु हासिल हो पड़ती है, लकड़ी के बने मकान और उनकी शैली हमारे आकर्षण का केंद्र बनती है। लेकिन बदलते समय के साथ साथ लोगों ने अब ईंट बजरी के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। सांगला में जीरा फार्म भी है जहां जीरा और केसर उगाया जाता है। सांगला में भोजपत्र के पेड़ भी पाए जाते हैं। सांगला घाटी ट्रैकिंग के लिए भी काफी मशहूर है।